दीपिका पादुकोण की मोस्ट अवेटेड फिल्म आखिरकार रिलीज हो गई। फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है। कुछ क्रिटिक्स ने इसे संजय लीला भंसाली की सबसे बेहतरीन फिल्म बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो राजपूतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर ने जबरदस्त एक्टिंग कर दर्शकों का दिल जीत लिया। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के सवालों का जवाब दिया। एक फैन ने पूछा कि आपके लिए फिल्म में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था। इसके जवाब में दीपिका ने बताया कि जौहर का सीन, ये मेरे लिए सबसे स्पेशल और चैलेंजिंग भी था। ऐसी सीन को शूट करना पूरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों में से एक है। राजपूत महिलाओं के ग्रुप के साथ जलती आग की ओर जौहर के लिए बढ़ना, ये सब रोमांचित करने वाला था। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार की चर्चा चारों ओर है। नेगेटिव रोल में खिलजी का किरदार हिंदी सिनेमा में अब तक का ऐतिहासिक रोल है। इसे रणवीर ने बखूबी निभाया है। इस रोल के लिए रणवीर ने एक लेटर लिखकर संजय लीला भंसाली का शुक्रिया भी अदा किया। आपको बता दें कि पद्मावत तमाम विरोध और प्रदर्शन के बाद देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा के साथ ये फिल्म देश भर के 7,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। टीम इंडिलिंक्स।